जेनी ने जब मिरर में देखा तो वो हैरान रह गई। उसकी बच्ची के हाथ और पैर किसी राक्षस जैसे दिखाई पड़ रहे थे। ये देखने में काफी डरावना है, जेनी को महसूस हुआ यह उसका भ्रम है। अगले दिन कार के मिरर से जेनी ने देखा तो पाया उसकी बेटी पूरी तरह से राक्षस बन चुकी है। जेनी कार को एक तालाब के पास ले गई, दिल पर पत्थर रखकर बेटी को कार के साथ पानी में डाल दिया, लेकिन बेटी के चेहरे पर कोई डर नहीं है। जब जेनी घर आई तो वो चौंक गई क्योंकि बेटी पहले से ही वहाँ थी। जेनी को देखकर उसने बहुत डरावनी हंसी दी। रात को जब जेनी सो रही थी तो उसकी बेटी अपने असली रूप में आई और जेनी की गर्दन पर गहरा निशान छोड़ दिया। सुबह को गले पर निशान देखकर जेनी